आज हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख रूपंकर कला को पढ़ेंगे। रूपंकर कला में मुख्य रूप से जो छत्तीसगढ़ में जो भी शिल्प वगैरह की पहचान है यहाँ पर, मतलब विशेष रूप से कुछ शिल्प का निर्माण सिर्फ छत्तीसगढ़ में किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यह जो शिल्प है आज उसकी वजह से छत्तीसगढ़ को एक विशेष स्थान प्राप्त हो चुका है, या मतलब छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि आपने सुना होगा कि बस्तर का जो मुड़िया माड़िया शिल्प जो बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अभी फेमस हो गया है छत्तीसगढ़ में, और बाहर में भी छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान दे रहा है। जैसे मध्य प्रदेश का जो बुधनी क्राफ्ट है वो फेमस है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी यहाँ के जो विशेष जो शिल्प हैं, अलग अलग चीज़ों को लेकर के जो यहाँ पे शिल्प का निर्माण किया जाता है या चीज़ों को बनाया जाता है, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो शिल्प है इसके बारे में क्वेश्चन है, विशेष रूप से कौन सी जाति इसका निर्माण करती है, कौन से मटेरियल से इसका शिल्प का निर्माण होता है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पीएससी और व्यापा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखो, आदिवासी बहुलता वाले लोग हैं, वही लोग इस शिल्प का, मतलब उन्होंने इस शिल्प को जन्म दिया और वही लोग इस शिल्प को आगे पढ़ा भी रहे हैं, मतलब सभी लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो नीचे वाला जो बस्तर संभाग का जो शिल्प है, वो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसिद्ध है और भारत में भी एक अलग प्रसिद्धि दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर मुख्य रूप से लौह शिल्प, मिट्टी का शिल्प, कांसे का शिल्प, धातु का शिल्प, ठीक है, उसके अलावा बस्तर का जो खड़वा कला है वो, ढोकरा शिल्प है वो, मोम वगैरह से भी अलग अलग चीज़ों का निर्माण किया जाता है, तुमा शिल्प, रजवार शिल्प बोलते हैं वो, ठीक है। उसके अलावा विशेष रूप से बांस के, यहाँ पर बांस वनों की बहुत अधिकता है, इस वजह से बांस शिल्प यहाँ का भी वो भी फेमस है ना। कास्ट शिल्प, तेंदुपत्ता से अलग अलग शिल्प का निर्माण किया जाता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे शिल्प है जिसको हम एक एक करके पढ़ते हैं और किस तरीके से इसका निर्माण होता है और किस क्षेत्र में विशेष रूप से इसका निर्माण किया जाता है और किन किन चीजों से इसका निर्माण किया जाता है, वो भी हम डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि कौन कौन से शिल्प है। जैसे कि पहला आएगा कास्ट शिल्प, ठीक है, दूसरा मिट्टी से भी शिल्पकारी की जाती है यहाँ पे, बांस से की जाती है ना, ढोकरा शिल्प, घड़वा शिल्प, तुमा शिल्प, रजवार शिल्प, कंघी शिल्प, ठीक है यहाँ। और इसके अलावा तीर धनुष शिल्प भी, मतलब तीर धनुष का भी निर्माण किया जाता है यहाँ पर विशेष रूप से, मतलब उसके लिए जाना जाता है क्योंकि आदिवासियों का जो मुख्य औजार है या उनका जो बोलना चाहिए कि वो लोग हर चीज की शुरुआत जो है वो तीर धनुष से करते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, भगवान की तरह उन्हें मानते भी हैं। तो जो विशेष रूप से जो बस्तर का क्षेत्र है वहाँ पर तीर धनुष का भी बहुत महत्व है, वहाँ पे जो आदिवासी हैं बहुत बड़े बड़े तीर धनुष लेकर के चलते हैं क्योंकि वो आज भी वहाँ के जंगलों में शिकार करते हैं, ठीक है। और हजवार शिल्प हो गया है ना, तो चलो ठीक है, अब एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते जाते हैं कि कौन कौन से जो शिल्प हैं वो विशेष रूप से कौन कौन से क्षेत्रों में मतलब बनाए जाते हैं और किन किन चीज़ों से इसका निर्माण जो है वो किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कास्ट शिल्प, ठीक है, नाम से ही है, जैसे कि कास्ट का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी से जो भी शिल्प का निर्माण किया जाता है उसको कास्ट शिल्प कहते हैं। कास्ट शिल्प का निर्माण का जो चलन है वो पूरे छत्तीसगढ़ में है, मतलब उत्तर के क्षेत्र में भी बहुत आयतों में इसका निर्माण किया जाता है और दक्षिण में तो किया ही जाता है, बस्तर संभाग में विशेष रूप से कास्ट शिल्प का निर्माण किया जाता है। कास्ट शिल्प में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पुराने जमाने की अगर हम बात करते हैं तो पहले के लोग जो रहते वो दरवाजों पर भी कास्ट शिल्प का निर्माण करते थे, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों का भी निर्माण जो है वो कास्ट से किया जाता है अभी। और मतलब ये जो दरवाजे वाला जो मैं बता रही हूँ पुराने जमाने में किया जाता था, अब तो इसका चलन थोड़ा सा कम हो गया है। अभी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो देवी देवताओं का या विभिन्न पशु पक्षियों का जो निर्माण वो किया जाता है और बस्तर संभाग में विभिन्न जनजाति के लोग अलग अलग स्तंभ के रूप में, जैसे मृतक स्मृति स्तंभ, कोरकू लोग भी अपने मृतक स्मृति स्तंभ का निर्माण जो है वो कास्ट से करते हैं और सरगुजा जिले में भी कास्ट से अनेक शिल्प का निर्माण किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा
छत्तीसगढ़ में कास्ट शिल्प की जो परंपरा है वो अभी तक चली आ रही है, मतलब अभी भी बहुतायत रूप से मतलब कास्ट शिल्प का जो निर्माण है वो किया जाता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो बेड या सोफा वगैरह में भी कास्ट का आजकल कास्ट शिल्प का बहुत अधिक चलन है। और बस्तर में तो विशेष रूप से जितने भी चीजें हैं मतलब घर पे जितनी भी उपयोगी चीजें हैं जो भी लकड़ी से निर्मित होती है उसमें कास्ट शिल्प जो है वो दिखाई देता है। विशेष रूप से आकृति बनाई जाती है, फल फूल या बेल बूटे भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कास्ट शिल्प बहुत अधिक प्रचलित है यहाँ। फिर देखते हैं अगला मिट्टी का शिल्प। मिट्टी का शिल्प का एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, लेकिन जैसे बता देती हूँ कि जैसे पोला का त्यौहार है छत्तीसगढ़ में, तो फिर मिट्टी के बैल बनाए जाते हैं। फिर दीपावली के समय लक्ष्मी माता की मूर्ति, गणेश भगवान की मूर्ति, सरस्वती माता की मूर्ति, विभिन्न दिए वगैरह भी बनाए जाते हैं। ठीक है, अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है, पॉट है आपका, और मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पे मिट्टियों से बनाई जाती है। तो वो अलग टाइप की मिट्टियों का जो आकृति है वो बनाया जाता है। तो इस वजह से छत्तीसगढ़ को भी इस चीज के लिए जाना जाता है। जैसे सुवा नृत्य जो है, जैसे सुवा को के झारोर किया जाता है, तो जो सुवा है वो भी मिट्टी से ही बनाया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से प्रयास कर सकते हो ना। थर्ड है बांस शिल्प, है ना। बांस शिल्प से विभिन्न प्रकार की जैसे बांस से टोकरी वगैरह बनाते हैं यहाँ पे, है ना। और विवाह के समय जो भी चीजें रहती है उपयोगी चीजें, सूपा हो गया, टोकरी हो गया, झाड़ू वगैरह भी बांस से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। बांस से घर निर्माण में भी बांस का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है यहाँ पर। तो बांस शिल्प जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पर कमार जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। तो इसको कई बार पूछा जा चुका है कि बांस शिल्प का निर्माण किस जनजाति के द्वारा विशेष रूप से बनाया जाता है। तो ये कमार जनजाति जो विशेष रूप से गरियाबंद जिला में निवास करती है, और उसके अलावा थमतरी में भी निवास करती है ये। ठीक है, मतलब जो आपका ये जो गरियाबंद जिला है, गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद और थोड़ा सा रैपिड का एरिया, कुछ कुछ एरिया में ये लोग बसे हुए हैं। कमार जनजाति छत्तीसगढ़ की अत्यंत पिछड़ी जनजाति में से एक, जो 5 जनजातियां घोषित की गई है अत्यंत पिछड़ी, उसमें से कमार जनजाति भी एक है। इनका जो प्रमुख जो विकास केंद्र है वो गरियाबंद जिले में बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए बांस से अब अगला चलते हैं ढोकरा शिल्प। ठीक है, ढोकरा शिल्प जो है वो एक बस्तर को एक अलग पहचान देती है। बस्तर में निवास करने वाले जो जनजातियां हैं उन्हीं के द्वारा इस शिल्प का निर्माण किया जाता है। ढोकरा शिल्प जो है वो मुख्य रूप से मोम से बनाया जाता है। देखो, कोई भी जैसे अगर आप एक मूर्ति बनानी है, सपोज आपको गणेश भगवान की मूर्ति बनानी है, तो उसमें क्या करते हैं, मोम से गणेश भगवान की पहले मूर्ति बनाते हैं, फिर उसमें मिट्टी का लेप चढ़ाते हैं, मिट्टी का लेप चढ़ के उसके बाद उसको आग में पकाते हैं, है ना। फिर आग में पकाते पकाते ही मतलब जब उसको बाहर निकालते हैं, वो गर्म रहता है, तो उसी समय उसमें डाल देते हैं बेल मेटल या फिर पीतल। ठीक है, पीतल को, गरम गरम पीतल को या बेल मेटल को डालेंगे तो वो उसके ऊपर चढ़ जाता है पूरा, उसके बाद वो मोम का जगह ले लेता है। ठीक है, मोम मतलब अंदर में मोम जो रहता है उसका वो जगह ले लेता है। तो इस तरीके से जो ढोकरा शिल्प है उसका निर्माण किया जाता है। और जो इस क्षेत्र की जो जनजातियाँ हैं वो इस शिल्प का निर्माण जो है वो अपने आप को भगवान से कनेक्टेड समझती है जब इस शिल्प का निर्माण करती है। तो इसमें भी मुख्य रूप से विभिन्न पशु पक्षियों का या फिर बेल बूटे या फिर पौराणिक जो भी अपनी जो धार्मिक देवी देवता हैं वो सबकी मूर्ति बनाते हैं। विभिन्न जानवरों में विशेष रूप से जैसे हिरण हो गया, है ना, और या फिर बोलो जैसे जीवन जीते हैं, है ना, जैसे जो का छोटा सा घर होता है, चारों तरफ पेड़ रहता है, तो उस टाइप का एक क्रिएट करते हैं, बैलगाड़ी वगैरह बनाते हैं, तो बहुत वो सुंदर रहता है ये क्राफ्ट। अगला है घड़वा कला। घड़वा कला जो है वो घड़वा जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, इसी वजह से इसके शिल्प का नाम पड़ा घड़वा शिल्प। बस्तर में निवास करने वाली जो घड़वा जनजाति है वही लोग इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, इस जो शिल्प का निर्माण है वो पीतल, कांसा और मोम तीन चीजों से किया जाता है। ठीक है, और जैसे सुना होगा आपने जयदेव बघेल है ना, वो इस शिल्प के लिए मतलब राष्ट्रीय पुरस्कृत हो चुके हैं, मतलब नेशनल लेवल पर उनको अवार्ड भी दिया जा चुका है। अगला है तुम्बा शिल्प, है ना।
तुम्बा या बोलना चाहिए एक लौकी की तरह होता है, लेकिन लौकी नहीं होता, लौकी लंबा होता है, तुम्बा का साइज थोड़ा छोटा रहता है, मोटा रहता है ये, तो इसको सब्जी बनाने में यूज किया जाता है, खाते हैं इसको। तो क्या करते हैं, इसको सब्जी ना खा करके इसको पूरी तरीके से पकने देते हैं, इसको यूज नहीं करते, ये पेड़ में लटका लटका रह जाता है, फिर उसके बाद इसको तोड़ करके मतलब ये पूरा सूख जाता है, ठीक है। फिर सूखने के बाद इसका यूज किया जाता है, मतलब कैसे यूज करते हैं इसको, जैसे कि इससे मुखौटे वगैरह बनाए जाते हैं, या फिर आपका जो वाटर बॉटल है, ये लोग वाटर बॉटल भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अलग तरह का शिल्प होता है, या फिर घर में साज सज्जा की चीजों में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, तुम्बा का। फिर देखते हैं रजवार शिल्प। रजवार शिल्प का जो निर्माण है वो रजवारों के द्वारा किया जाता है, इस वजह से इस शिल्प का नाम रजवार शिल्प पड़ा। और यह जो शिल्प है वो मुख्य रूप से घर के सजावट के लिए किया जाता है इसका यूज, जैसे कि घर में पशु पक्षी हो गया, या फिर आपने देखा वो विंचेम्स आजकल जिसको बोलते हैं, वो है ना, उस टाइप की भी चीजें जो है ये लोग निर्माण करते हैं, और बेल बूटे पत्ती वगैरह जो भी पूरे घर का डेकोरेशन का सामान बनता है ना। फिर आता है कंघी शिल्प। देखो बस्तर में मतलब कंघी का तो प्रचलन जो है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है, कंघी को सजाना, लकड़ियों से पहले कंघियां बनाई जाती थी, आजकल तो प्लास्टिक की लकड़ी का प्लास्टिक की कंघी का चलन आ गया है। तो कंघी शिल्प में क्या करते हैं, बस्तर में जो निवास करने वाली जो विशेष जनजातियां हैं वो लोग कंघी शिल्प का निर्माण करते हैं, कंघी बनाते हैं लकड़ी से, फिर उसमें कलाकारी करते हैं, विभिन्न आभूषण में जो रत्न वगैरह यूज होते हैं वो सभी रत्न जड़ित कंघियों का भी निर्माण है इनके द्वारा किया जाता है। कंघी शिल्प का निर्माण मुख्य रूप से बस्तर में निवास करने वाली जो बंजारा जाति है वो लोग इसका निर्माण करते हैं, और कंघियों को एक अलग कलात्मक दृष्टि से लोग सजाते हैं। अगला हम देखते हैं तीर धनुष जो क्राफ्ट है वो आदिवासी जो लोग हैं वो लोग हमेशा से अपने साथ तीर धनुष रखते हैं और आज भी रखते हैं, और इस तीर धनुष का निर्माण वो स्वयं करते हैं, किसी और से निर्मित नहीं करवाते हैं, और ये लोग उसमें जब निर्माण करते हैं तो उस समय मतलब जो तीर धनुष है इनका लकड़ी का भी बनाया जाता है और लोहे का भी बनाया जाता है, ठीक है। और या फिर अगर लोग लकड़ी का बनाते हैं तो उसमें गर्म गर्म लोहे की मतलब सलाखों को उसमें चढ़ाते हैं, या लोहे को पिघला करके उसमें डालते हैं, तो इस तरीके से वो लोग जो तीर धनुष है उसका निर्माण स्वयं करके उसी का उपयोग करते हैं। तो ये जो तीर धनुष है वो प्रत्येक आदिवासी अपने साथ रखता ही है, या हर एक व्यक्ति जो है वो जो लोग वन्य क्षेत्र में निवास करते हैं वो लोग सभी जो है तीर धनुष को रखते हैं। तो ये भी एक कला है जो छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान देती है, क्योंकि मतलब आज तो प्रेजेंट में जैसे हम लोग अगर देखेंगे तो मॉडर्न युग में तो तीर धनुष का जो यूज है वो किया भी नहीं जाता और लोग रखते भी नहीं है, ठीक है। अगला है पत्ता शिल्प कला, है ना। पत्ता शिल्प कला में जैसे यहाँ पर मुख्य रूप से जो छीन का पेड़ है बहुत अधिक पाया जाता है, तो छीन के जो पत्ते हैं उससे भी अलग अलग शिल्प का निर्माण किया जाता है, जैसे छीन का झाड़ू तो बनता ही है, उसके अलावा चटाई वगैरह या आसन है वो बनाया जाता है, ठीक है। और जो चटाई जो बड़े बड़े चटाई है उसे बाउंड्री वगैरह बाउंड्री वॉल पे ऐसा यूज किया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें क्राफ्ट यूज किए जाते हैं, इससे बना करके मतलब पत्ता शिल्प से बहुत सारे और भी क्राफ्ट बना करके यूज किए जाते हैं, घरेलू सामान में भी, घरेलू सामग्री बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि मतलब कौन कौन से जो प्रमुख शिल्प थे। अच्छा इसमें जो जो धातु शिल्प है ना, धातु शिल्प में एक काउंट होता है घड़वा, और घड़वा शिल्प और ढोकरा शिल्प, इसके जो मुख्य जो व्यक्ति है जिन्होंने इस शिल्प को एक अलग पहचान दी और इस देश दुनिया में इसको एक नाम दिया, तो उसको भी हमको जानना जरूरी है। जैसे कि घड़वा शिल्प में ये प्रमुख व्यक्ति है मानिक, ये ठीक है, जयदेव बघेल है, और उनके भाई सुखदेव बघेल है। जयदेव बघेल को तो क्राफ्ट मैन ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाने लगा है वर्तमान में, ठीक है। और मानिक घड़वा है, मतलब में जो निवास करने वाली विभिन्न जातियों के
के द्वारा जो ढोकरा शिल्प और खड़वा शिल्प का निर्माण किया जाता है उसमें मुख्य रूप से मानिक गढ़वा और जयदेव बघेल, उनके भाई सुखदेव बघेल, इन सभी को जाना जाता है। जयदेव बघेल को क्राफ्ट मैन ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाने लगा है और इन्हें बहुत सारे जो नेशनल अवार्ड हैं वो मिल चुके हैं। इस वजह से इस शिल्प का नाम और जाना जाने लगा है, मतलब छत्तीसगढ़ के अलावा देश में भी एक अलग पहचान जयदेव बघेल जी ने दिलाई है इस शिल्प को। ठीक है, तो ये मतलब इसे रिलेट करके पूछा जाता है पेपर में कि जयदेव बघेल कौन से शिल्प से जुड़े हुए हैं या फिर मानिक खड़वा जो है वो कौन से शिल्प से जुड़े हुए हैं। ठीक है, धातु शिल्प में और जैसे अगर बोलते हैं कि कौन कौन से शिल्प का जो क्षेत्रीयता के हिसाब से बताइए और कौन कौन से शिल्प कौन कौन से क्षेत्रों में यूज किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, तो जैसे हम खड़वा शिल्प की बात करते हैं तो ये आ जाता है बस्तर में, बस्तर रीजन में। ठीक है, और झारा शिल्प होता है ये व्यापा में पूछा जा चुका है कई बार, तो ये आ जाता है रायगढ़ में, रायगढ़ के एरिया में बनाया जाता है ये झारा शिल्प। और एक होता है मलार शिल्प जो सरगुजा है वहाँ पर मुख्य रूप से बनाया जाता है, सरगुजा जिला में और उसके अलावा सरगुजा संभाग में भी इस शिल्प का निर्माण जो है वो किया जाता है, तो इसको भी कई बार पूछा जा चुका है। सिर्फ एक तरफ ऑप्शन रहेगा और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट का नेम रिलेट करने के लिए दे देते हैं, फिर उसको मैच करो करके ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कई बार एग्जाम में मिट्टी शिल्प कला केंद्र के बारे में भी पूछा गया है, तो उसको भी मैं बताना चाहूँगी कि जो कुंडा गांव है यहाँ पर, कुंडा गांव में कुम्हार पारा करके एक जगह है, वहाँ पर विशेष रूप से मिट्टी शिल्प का निर्माण किया जाता है और यहाँ पे एक मतलब हार्ट जैसा क्रिएट किया गया है। ठीक है, और ये बस्तर का जो है नगरनार क्षेत्र है यहाँ पर भी। ठीक है, उसके अलावा नारायणपुर यहाँ पर भी मिट्टी शिल्प के लिए विशेष स्थान बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक और जगह है कोंडा गांव में ही, इड़का करके जगह है, यहाँ पर भी मिट्टी शिल्प का जो केंद्र है वो निर्मित किया गया है और इसको और ब्रॉडवे में बनाने की सरकार की योजना भी चल रही है। विभिन्न कास्ट शिल्प में प्राप्त पुरस्कृत व्यक्तियों को, विभिन्न कास्ट शिल्प में जिन जिन लोगों को पुरस्कार प्राप्त हुआ है उन सभी का जो नाम है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको भी जानना आपको जरूरी है क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है और खासकर उनके जो शिल्प हैं उनको उनके नाम से रिलेट किया जाता है। जैसे कि जो बेलगुर मंडावी हैं ये कास्ट शिल्प के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, यह भी बस्तर संभाग में निवास करते हैं। गोविंद राम झारा, जयदेव बघेल और सोनाबाई, ठीक है, गोविंद राम झारा, जयदेव बघेल और सोनाबाई, इन तीनों को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। गोविंद राम झारा धातु शिल्प से संबंधित है, जयदेव बघेल जो है वो भी एक शिल्पकार है, सोनाबाई जो है वो भी एक शिल्पकार है। ठीक है, घड़वा कला से संबंधित है। उसके अलावा रामलाल झारा, झारा शिल्प मैंने बताया कि ये रायगढ़ जिले में विशेष रूप से निर्मित किया जाता है, तो जो झारा शिल्प है उसके जो प्रमुख व्यक्ति जो इस शिल्प को आगे लेकर के गए हैं वो है रामलाल झारा, इनको भी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, ये धातु शिल्पकार है। ठीक है, गेंद्राम सागर जो है वो शिल्पकार भी है, चित्रकार भी है। ठीक है, तो इसको भी एग्जाम में पूछा जा चुका था एक बार, गेंद्राम झारा जी के बारे में पूछा गया था कि कौन सी शिल्प से संबंधित है या ये व्यक्ति क्या है, इनमें से क्या इनके बारे में सत्य है, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी वर्ष 2016 में श्रीनाथ नाग जो बस्तर में निवास करते हैं, इन्हें प्रमुख रूप से बस्तर के कुछ वाद्य यंत्र है जैसे तुड़बुड़ी, ठीक है, उनके निर्माण करने के लिए और उनके वादन करने के लिए उस्ताद बसमल्ला का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस्ताद बसमल्ला का जानते हैं कि उस्ताद बसमल्ला खान जो थे वो शहनाई का वादन करते थे और सबसे अच्छा जो शहनाई का वादन जो भारत में अभी तक करते थे वो उस्ताद बसमल्ला खान थे। तो श्रीनाथ नाग जी को तुड़बुड़ी के वादन के लिए, मतलब ये भी एक शहनाई की तरह ही छत्तीसगढ़ का एक ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र है, उसके वादन के लिए और उसके निर्माण करने के लिए, विशेष रूप से मतलब इनको निर्माण करने भी आता है, उसके लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उस्ताद बिस्मिल्ला खां।